अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये देखें अनाटोलो की जो है मॉर्निंग ब्रीफिंग नवंबर 12, 2023, तो इसको एक नज़र में आप देख सकते हैं। समिट के बारे में इन्होंने क्या कहा है। समिट के बारे में यह है, द जॉइंट अरब इस्लामिक समिट ऑन सैटरडे, यानी अरब लीग और ओआईसी की समिट जो है वो एक साथ हुई है। अर्ज द प्रोसिक्यूटर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन इनटू वॉर क्राइम एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी कमिटेड बाय इजराइल अगेंस्ट फिलिस्टीनियन। तो इन लोगों ने जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कहा है कि आप तफ्तीश कीजिए इसके बारे में, हम लोग दरख्वास्त करते हैं। इन्हें कम्युनिक कॉपी ऑफ विच वॉज रिसीव्ड बाय अनाटोलो द समिट मैंडेट्स फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, कतर, तुर्की, इंडोनेशिया एंड नाइजेरिया टू स्टार्ट इमीडिएट इंटरनेशनल एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द अरब इस्लामिक समिट कंट्रीज टू स्टॉप द वॉर ऑन गाजा एंड प्रेस फॉर द लॉन्च ऑफ ए सीरियस एंड रियल पोलिटिकल प्रोसेस टू अचीव लास्टिंग एंड कम्प्रिहेंसिव पीस इन अकॉर्डेंस विद द एडॉप्टेड इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ रिफरेंस। तो इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग जो है वो बाकायदा काम कीजिए। और अशिफा हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बताया है इन्होंने। अशिफा हॉस्पिटल वेंट आउट ऑफ सर्विस आफ्टर इसराइल बॉम्ब्ड एवरी थिंग मूव इन साइड द कॉम्प्लेक्स। द ऑक्यूपेशन बॉम्ब द सर्जरी बिल्डिंग इन साइड द शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स इन गाजा सिटी। हॉस्पिटल को भी नहीं बख्श रहा। द इंसेंटिव केयर डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो टारगेटेड। ऑक्सीजन मशीन हैव बीन स्टॉप वर्किंग। वी लॉस्ट टू पेशेंट इन द इंटेंसिव केयर डिपार्टमेंट ऑफ अशिफा। फिर ये देखिए लंदन में जो है एहतजाज हुआ है। पीपल इन द ब्रिटिश कैपिटल हेल्ड अ मैसिव रैली इन सॉलिडरिटी विद पैलेस्टीनियन एंड मार्च टूवर्ड्स द यूएस एम्बेसी टू प्रेस वाशिंगटन फॉर ए इमीडिएट सीज फायर इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्री। ए ह्यूज क्राउड गैदर इन लंदन्स हाइड्रे पार्क ऑन सैटरडे टू कॉल फॉर ए सीज फायर वाल प्रोटेस्टिंग इसराइल एंड द गवर्नमेंट दैट हैव येट टू कॉल फॉर ए सीज फायर इन। तो ये सब तो मैं बता दिया हूँ, थोड़ा एक एक लाइन में जो ब्रीफिंग है वो देखें। ये देखिए न्यूज़ इन ब्रीफ काफ़ी अहम है तो मैं पढ़ देता हूँ। द यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ऑन सैटरडे सेड दैट नो प्लेस इज सेफ इन गाजा and called for the protection of civilian and civilian infrastructure. अब यूनाइटेड नेशन तो आलमी इदारा है, ये मुसलमानों का इदारा तो है नहीं, लेकिन फिर भी बात नहीं समझ में आती। दूसरी बात यह है कि द इसराइल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये बहुत अहम है, इसको स्टार मार्क कर दी। द इसराइल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन सेड सैटरडे दैट इंटेंस निगोसिएशन आर टेकिंग प्लेस इन रिसेंट आवर्स अंडर अमरीकन एंड कतरी मीडिएशन टू गेट ए प्रिजनर रिलीज डील। तो ये देखें गुफ्तगू बहुत तेज़ी से जारी सारी है। तीसरे नंबर पर देखिए द पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी, यानी ये मदद करने वाला ग्रुप है, सेड सैटरडे दैट बेबीज इन द अलकुद्स हॉस्पिटल इन गाजा आर सफरिंग फ्राम dehydration amid ongoing Israeli attack on the hospital. अशिफा हॉस्पिटल की भी हालत ख़राब है और अल कुदस हॉस्पिटल की भी हालत ख़राब है। फिर ये देखिए फ्रेंच अपोजिशन फिगर मैथिल डे पेनोट क्रिटिसाइज फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। क्यों तनकीद किया उसको? Saying his call to Israel to stop the killing in Gaza
केम 10,000 डेथ लेटर। तो फ्रांस की अपोजिशन पार्टी है उसने एमैनुअल मैक्रॉन की तनकीद की है कि एमैनुअल मैक्रॉन ने इसराइल को कहा कि कत्ले आम बंद करो 10,000 कत्ल के बाद, शुरू ही में बोलना चाहिए था। तो शुरू में तो मारने का कॉलिशन बना रहा था। द हेल्थ मिनिस्ट्री इन गाजा सेड दैट दे कुड नॉट काउंट कैजुअल्टीज इन द बीसेज स्ट्रिप ड्यू टू द आउटेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि हम कैजुअल्टी गिन नहीं सकते क्योंकि इंटरनेट नहीं है, फोन वगैरह की सहूलत नहीं है, कौन कहाँ जख्मी है, मर गया है, पता ही नहीं चल रहा। ये देखिए, द पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी सेड सैटरडे दैट एन एडिशनल 53 एयर ट्रक इंटर द गाजा स्ट्रिप थ्रू द रफा बॉर्डर क्रॉसिंग विद इजिप्ट। तो ये एक अच्छी बात है कि कल जो है 53, जबकि 500 ट्रक की जरूरत है तो 53 आता है। ए ग्रुप ऑफ इसराइली प्रोटेस्टर गैदर सैटरडे नियर द डिफेंस मिनिस्ट्री बिल्डिंग इन तेल अवीव टू डिमांड ए सीज फायर एंड प्रिजनर स्वैप डील। ये अलग से मैं बता दिया हूँ आपको। क्रेग मखीबाग, ए फॉर्मर टॉप यूएन ऑफिशियल, कॉल द ऑन गोइंग सिचुएशन इन गाजा ए जेनोसाइड। गाजा में जो कुछ भी हो रहा है ये एक तरह से कत्लेआम है, जेनोसाइड है। Explaining and supporting his assessment by referring many of the specific action outlined in the US Genocide Convention. Tayyip Erdogan साहब ने क्या कहा? Turkish President Recep Tayyip Erdogan said, "Nuclear weapon, whose existence is acknowledged by Israeli minister, should be investigated." ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि वहाँ का जो ये था विरासत मिनिस्टर, उसने कहा था कि एक ऑप्शन हमारे पास बाकी है कि हम जो है बम ही गिरा देते हैं, एटम बम मार देते हैं गाजा में, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तो तैयब अर्दगान ने उसको पकड़ लिया है कि इसका मतलब यह है कि आपके पास एटम बम है। तो फिर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रशिया, ये सब क्या कर रहा है? जब कोई दूसरा बनाता है तो उस पर पाबंदी लगाता है, और इसराइल बनाता है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं। ईरान पे पाबंदी किस लिए है? ये न्यूक्लियर बम बना रहा है, तो अंदर ही अंदर ये इसराइल कैसे बना लिया? तो बनाया है तो जाके छीनो उससे। तो अगर कोई दूसरी कंट्री बनाए तो उस पर पाबंदी लगती है, और इसराइल बनाए तो कोई पाबंदी नहीं। ये तो गलत बात है, वो तो खुद से एक्सेप्ट कर लिया है। आज तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे पास एटम बम है। The Jordanian army said Sunday that a Royal Air Force plane airdrop and other batch of medical aid for its field hospital in Gaza. The Royal Air Force कहा जाता है किसको? जॉर्डन की एयरफोर्स को। तो जॉर्डन की आर्मी ने कहा है कि हम हवाई जहाज से दवाई गिराए हैं वहाँ पे गाजा में। साउथ अफ्रीका summoned इसराइली एम्बेसडर टू प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका ने जो है इजरायली अम्बेसडर को बुला करके डांट डपट किया। अल्जेरियन प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद तैबून अपॉइंट नादिर एज ए प्राइम मिनिस्टर। अब्दुल मजीद तैबून जो है अल्जेरिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अब एमन को हटा करके किसको प्राइम मिनिस्टर लगाए हैं? नादिर को। ए यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी। ये देखिए, अल्लाह ताला इंतकाम अब लेना शुरू कर दिया। यूनाइटेड स्टेट का जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है अपने आप क्रैश कर गया बहरे अबियज में, मेडिटेरियन सी में, क्योंकि आजकल खूब चक्कर लगा रहा है इसराइल को बचाने के लिए। ये देखिए, एक सानहा अजीब गरीब हुआ है। चाइनीज अथॉरिटीज एग्जीक्यूटेड ए स्कूल प्रिंसिपल फॉर रेपिंग एंड सेक्सुअली असॉल्टिंग 22 चिल्ड्रेन स्टेट ट्रेन में। तो चाइना ने जो है, चाइना की अथॉरिटी ने एक स्कूल प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट कर दिया है। इसलिए क्योंकि 22 बच्चों के साथ उसने बदसलूकी किया था। तो ये चंद खबरें थी, तो मैं सोचा कि आपके लिए जो है फ़ायदा मंद रहेगी ये जानना है आलमी हालात को, और मुख्तसर में थी तो इस लिहाज से मैं बता दिया।